हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ चॉकलेट केक की रेसिपी। और जैसे कि आप जानते हैं, क्रिसमस वीक स्टार्ट हो चुका है एंड साथ में न्यू ईयर भी आने वाला है, तो आप इस रेसिपी को इन ओकेजन्स पे ज़रूर बना सकते हैं। तो चलो आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैंने दो बोल ले लिया है और उसमें तीन अंडे लिए हैं और उसमें से वाइट एंड जो एग योक है उसे मैं सेपरेट कर ले रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने एक तरफ एग योक्स को रखा है, दैट इज़ द येलो पार्ट को अलग से रखा है, वाइट पार्ट को अलग से रखा है। जिस टेक्निक से मैं कर रही हूँ आप उससे भी कर सकते हैं। और अगर बाय चांस कोई भी येलो पार्ट या वाइट पार्ट एक दूसरे में आ जाए तो इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, इट इज़ फाइन, आप उसके साथ ही आगे बनाना स्टार्ट करें। अब इसमें मैं 3/4 ऑफ ब्राउन शुगर डाल रही हूँ और मैं एक बीटर के हेल्प से इसे अच्छे से बीट कर ले रही हूँ। हमें इसे तब तक बीट करना है जब तक जो शुगर है वो अच्छे से मिक्स ना हो जाए। तो आप इसे जो उसका हाई स्पीड है उसके ऊपर लगा के आप धीरे धीरे बीट करते रहें। जैसे कि मैंने एक अनबॉक्सिंग भी आपके साथ शेयर की थी, तो मैं इसका रिव्यू भी आपके रास्ते में शेयर कर दूंगी। अब इसके बाद मैंने इसमें हाफ कप ऑफ मिल्क डाला है और फिर से मैं बीटर के हेल्प से इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी रेडी हो चुका है मिक्सर। तो अब मैं इसमें मैदा डालने वाली हूँ। तो इसमें मैंने 1 कप मैदा डाला है, 2 टेबलस्पून अब मैं इसमें कोका पाउडर डालूंगी। एक टेबलस्पून मैं बेकिंग सोडा डाल रही हूँ, 1 टेबलस्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाला है और अ पिंच ऑफ सॉल्ट डाला है। अब सॉल्ट डालना ना भूलें। और अच्छे से छान लिया है ताकि जो गुठलियाँ हैं वो ना बने और हमारा जो मिक्सचर है वो फाइन हो। और हल्के से अब हम इसे फोल्ड करेंगे। आप देखिएगा इस प्रोसेस में मैंने कहीं भी बीट नहीं किया। एक बार जब मैंने इसको बीट कर लिया उसके बाद बस हम फोल्ड करेंगे। हल्के हाथ से आप इसे फोल्ड करें और जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्योंकि हमने छान लिया था तो जो भी हार्ड पार्टिकल्स है वो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे और इस तरह का कोई मिक्सचर तैयार हो जाएगा। अब इसमें मैंने 1 टेबलस्पून जैसा वैनिला एसेंस और 1 टेबलस्पून चॉकलेट एसेंस डाला है। चॉकलेट एसेंस जो है वो ऑप्शनल है, अगर आपको मिले तो आप ज़रूर डालिए। अब मैं इसमें 1/2 कप ऑफ कॉफ़ी मिक्सचर मिला रही हूँ, जिसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून कॉफ़ी लिया है और उसे गर्म पानी में मिक्स कर लिया है। आप जो ये मिक्सचर है उसे थोड़ा ठंडा होने के बाद ही डालें इस बैटर के अंदर। अब मैं इसे फोल्डिंग के टेक्निक से हल्का हल्का करके फोल्ड कर ले रही हूँ और हमें बीट नहीं करना है, फोल्ड करके ही इसे जो यूनिफॉर्म मिक्सचर की तरह बनाना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये यूनिफॉर्म मिक्सचर हो चुका है। तो अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ और इसे भी अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है तो अब हम इसे अलग से रख देंगे। अब हम जो वाइट पार्ट है उसे ले लेंगे और अच्छे से बीट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इस इलेक्ट्रिक बीटर की हेल्प से मैं इसे बीट कर रही हूँ। हमें इसे तब तक बीट करना है जब तक इसमें से वाइट पीक ना बनना स्टार्ट हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं वाइट पीक जो है इसमें बन चुका है। तो अब हमारा जो मिक्सचर रेडी किया हुआ था अब उसे मैं इसके अंदर डाल दे रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं बहुत ही हल्के हल्के हाथ से इसे उस मिक्सचर के अंदर ट्रांसफ़र कर रही हूँ। पूरे मिक्सचर को मैंने अच्छे से इसके अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है। अब मैं हल्के से फोल्ड करना स्टार्ट कर रही हूँ। मैं इसे तब तक फोल्ड करूँगी जब तक जो वाइट पार्ट है वो बिल्कुल भी अच्छे से मिक्सचर के अंदर ना आ जाए। धीरे धीरे करके आप इसे फोल्ड करते रहें। तो ऑप्शन ये एक होता है कि आप पहले ही इसमें जितने भी टॉपिंग्स हैं वो ऐड कर लें, इस वक्त पे जो भी टॉपिंग्स आपको डालनी है वो आप ऐड कर सकते थे। और ऑप्शन 2 है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब जो हमारा जिसमें जो भी पैन है उसको हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो मैंने ऑयल डाल लिया है और एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से ग्रीस कर ले रही हूँ।
अब मैं इसमें हल्का सा मैदा डाल दूंगी ऊपर से। मैदा डालने के बाद आप इसे हाथ से हर तरफ रोटेट कर ले ताकि ये हर एक जगह पे लग जाए और जब आप केक डालें तो वो अच्छे से निकल के आ जाए। अब जो हमारा बैटर रेडी है अब हम उसको इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इसे अच्छे से हल्के से ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ये जो बैटर है बहुत ज़्यादा थिक नहीं रहता है तो आप देख सकते हैं इस तरह की कंसिस्टेंसी के फॉर्म में ये रहता है। तो धीरे धीरे करके हम सारा जो बैटर का मिक्सचर है वो ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा केक बिल्कुल भी रेडी है ओवन के अंदर जाने के लिए। तो अब इसे हम 180 डिग्री सेल्सियस पर 35 मिनट्स तक के लिए बेक करेंगे। अब मैं बताने जा रही हूँ आपको सेकेंड ऑप्शन जो आप यूज़ कर सकते हैं टॉपिंग्स के लिए। तो जैसे ही 5 मिनट हो जाए और केक राइज होना स्टार्ट हो जाए उसी टाइम जो हमारे टॉपिंग्स हैं वो मैं ऐड करने जाती हूँ। जैसे कि वॉलनट चोको चिप्स एंड डार्क चॉकलेट मैंने ये सब इसमें टॉपिंग की तरह यूज़ किया है। तो जैसे ही 5 मिनट हो गए थे मैंने बहुत ही केयरफुली इसे निकाला और उसके ऊपर जितने भी टॉपिंग्स हैं वो डाल दिया। बट ये प्रोसेस में थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है। तो आप अपने हिसाब से ही टॉपिंग्स डिसाइड करें कि पहले डालना है या बीच में डालना है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा जो केक है वो बिल्कुल भी बेक होकर रेडी हो चुका है। और जैसे ये देख सकते हैं जो वॉलनट है वो बिल्कुल भी सरफेस पे थे तो इनका जो फ्लेवर है और ज़्यादा इन्हांस होकर आता है और जो चोको चिप्स होते हैं वो अंदर तक बिल्कुल भी चले जाते हैं और जो चॉकलेट होते हैं वो भी बिल्कुल भी पिघल जाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितना ही फ्लफ़ी बना है और टेस्ट में तो बहुत ही ज़्यादा यम लगता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि ये कैसी बनी थी। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर ले और कमेंट में बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी थी। और जैसे कि मैंने बोला था कि लास्ट में मैं शेयर कर दूंगी कि ये जो नोवा का बीटर है जो मैंने लिया था हैंड ब्लेंडर वो कैसा था। तो इट डज़ अ डिसेंट वर्क। मे बी हम अगर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में बना रहे हैं तो हमें और ज़्यादा अच्छा चाहिए होगा हैंड ब्लेंडर, बट एट अ स्मॉल क्वान्टिटी लाइक फैमिली साइज़ के लिए दिस विल बी फाइन। तो आगे भी मैं आपको और भी रेसिपी शेयर करूँगी तो प्लीज़ हमें फॉलो करते रहिए।